हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 32। इस वर्कशीट पर हम ऑलरेडी काम काफी टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्कशीट है स्टोरी राइटिंग की वर्कशीट। तो अभी तक आप जान ही गए होंगे कि स्टोरी के जो हैं वो फोर कंपोनेंट्स होते हैं। हर एक स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है, प्रॉब्लम होती है और सोल्यूशन होती है। अगर आपको ये समझना है कि ये कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, तो आप जो हमारी पिछली वीडियोज हैं उन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसे इस वीडियो से आइडिया मिल जाए और अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़े और हेल्प मिल जाए। तो आगे चलते हैं कि आज की इस वर्कशीट में स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड क्या बताया गया है। तो इस वर्कशीट में लिखनी है आपको स्टोरी। सिंपल सी चीज है, आप ऑलरेडी इस पर काफी टाइम से काम कर रहे हैं। तो अब जो ये स्टोरी आपको लिखनी है वो किस पर लिखनी होगी? तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर दे रखे हैं स्टोरी में। तो यहाँ पर कैरेक्टर लिखे हुए हैं राहुल एंड हिज फ्रेंड्स। फिर सेटिंग दे रखी है रिवर साइड। तो रिवर साइड पर ये स्टोरी होगी, मतलब टेक प्लेस करेगी, वहां पर ये घटना घटेगी। प्रॉब्लम क्या है? हर स्टोरी में कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर होती है। तो प्रॉब्लम यही है कि वन फ्रेंड गोज मिसिंग, एक दोस्त जो है खो जाता है। तो लोग जो दोस्त जो है वो लोग मिलकर कहीं जाते हैं, रिवर साइड पे कहीं जाते हैं, और फिर वहां एक दोस्त खो जाता है। और उसका सलूशन यही है कि लोगों को कांटेक्ट करो और सर्च करो। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा एक तरह से हेल्प के लिए फ्रेजेस भी दिए हुए हैं। तो इसमें आपको फ्रेजे दिए हैं सुनील एंड हिज फ्रेंड्स। तो राहुल की जगह आप सुनील भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो कोई और चार नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर फ्रेज दिया है पिकनिक, इसका मतलब कि ये सब जो दोस्त हैं वो पिकनिक पे गए हैं। टेक अ बस, ये सारे मिलकर बस लेते हैं। थ्रू द हिल्स, मतलब कि हिल्स की तरफ जो है वो जाते हैं। और फिर रीच द रिवर, फिर वो नदी की तरफ पहुंचते हैं। और नदी के आसपास क्या है? ब्यूटिफुल फॉरेस्ट अराउंड। तो नदी के आसपास उन्हें एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा फॉरेस्ट जंगल मिलता है। दे सेट अप फूड, वहां पर वो अपना खाना वगैरह जो है वहां रखते हैं। स्विम इन द रिवर, रिवर में स्विम करते हैं, मजे करते हैं। गो टू फाइंड फ्रूट्स फ्रॉम जंगल, फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो जंगल से जो है फ्रूट्स ढूंढ कर लाएंगे। फिर तभी अब आ गई है प्रॉब्लम। तो अभी तक तो सेटिंग जो है सेट हो रही थी, अब आ गई है दिक्कत। वो ये है कि एक दोस्त जो है उनका खो जाता है। फिर आगे लिखा है मेक सर्च पार्टी, फिर सभी लोग कॉन्टैक्ट पुलिस पंचायत, फिर ये सब मिलकर जो है पुलिस या पंचायत को। तो आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं कि आप किसके पास जाना पसंद करेंगे। तो उनको कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर सर्च पार्टीज बनती हैं एंड सर्च विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स। फिर ये सारे मिलकर जो हैं ये एल्डर्स की मदद लेते हैं, जो विलेज है वहां पर उनकी मदद लेते हैं। फिर इन्हें जो रियलाइज होता है कि जो दोस्त खो गया था वो फिर रिवर की दूसरी ऑपोजिट, फाउंड ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ रिवर। तो पता चलता है कि वो रिवर की दूसरी साइड पर वो खो गया था। गॉट हेल्प फ्रॉम ट्राइबल विलेज ही रीच्ड, तो वहां का जो ट्राइबल विलेज था उससे उसे मदद मिली और इस वजह से वो पहुंच पाया। तो ये यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजेस दिए हैं जिनकी मदद से आप ये स्टोरी लिख सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस स्टोरी में आप थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, इनफैक्ट और इलेबोरेशन करके इसे और अच्छा बना सकते हैं। तो या तो आपको इस पर बेस्ड एक स्टोरी लिखनी है अपनी वर्ड्स में, या फिर आपको यहाँ पर यू कैन चूज टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन कैरेक्टर्स, अंडरस्टैंड द सेटिंग, क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ अ सोल्यूशन। या फिर आपको ये पिक्चर जो दी गई है इसी में से आपको जो है अपनी एक स्टोरी बनानी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पिक्चर है, आपको ही सेटिंग यहाँ पर समझनी है, कैरेक्टर्स के नाम देने हैं, आपको प्रॉब्लम बनानी है और सोल्यूशन यहाँ पर देना है। तो आप चाहें तो इसके बेसिस पे एक स्टोरी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ये जो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है यू कैन चूज टू डू आइदर वन ऑफ द टास्क। तो आपको दोनों नहीं करने हैं, आपको दोनों में से एक कोई करना है। तो ये वाला जो है अब इसमें आप अपनी मर्जी से इसमें अपने कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, सेटिंग डाल सकते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको गाइडेंस दी हुई है, तो हम आपको यही वाली जो स्टोरी है ये सैम्पल के तौर पर यहाँ दिखा रहे हैं। अब इस स्टोरी में हमने स्टोरी का नाम भी दिया है, तो आप भी अपनी स्टोरी का जो भी आप स्टोरी लिखे उसका नाम जरूर लिखें। तो हमने इसका स्टोरी का नाम दिया है रिवर साइड एडवेंचर। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग सा नाम लिखिए, बहुत लंबा नाम नहीं लिखिए, बट छोटा लेकिन इंटरेस्टिंग नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो है हमने ये स्टोरी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि स्टोरी की मेन थीम क्या है, वही फ्रेजेस यूज करते हुए, वही आइडिया यूज करते हुए
जो है हमने यहाँ पर स्टोरी लिखी है। ऑफ कोर्स स्टोरी थोड़ी सी लंबी तो होगी ही, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, एक तरह से एक पूरी मूवी चल रही है यहाँ पर, तो इसी वजह से स्टोरी जो है ये इतनी लंबी तो होगी ही। तो इसको अच्छे से लिखिए, सोचिए समझिए और अच्छे से इसको आप लिख सकते हैं इस स्टोरी को। उम्मीद करते हैं कि ये सैम्पल स्टोरी से आपको अच्छे से आइडिया मिलेगा और आप अपनी स्टोरी भी यहाँ पर लिख पाएंगे। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए, अपने फ्रेंड्स से, और सबसे शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही हम अगली वर्कशीट की वीडियो अपलोड करें आपको इमिडिएटली वो पता चल जाए। आज के लिए फिर आपकी वर्कशीट में इतना ही है। थैंक